भगवान शिव की नगरी काशी। काशी में बही संगीत की गंगा, तार लय और सुर की जुगलबंदी, सरहदों को जोड़ते स्वर, कहते हैं काशी के भगवान भगवान शंकर संगीत की तीनों विधाओं में निपुण हैं। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों ने लिखा, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। इसीलिए इसी परंपरा को कायम रखते हुए 200 साल से भी पुराने बनारस घराने ने अपनी संस्कृति में गायन वादन और नृत्य तीनों ही विधाओं की परंपराओं को संजो कर रखा है। और इसी परंपरा का साक्ष्य मिलता है हर साल हनुमान जयंती पर होने वाले संकट मोचन संगीत समारोह में। तो चलिए आपको भी आज बनारस के उस रूप से रूबरू करवाते हैं जहां पिछले 200 साल से भी ज्यादा समय से संगीत की अखंड ज्योति किसी न किसी साज, किसी न किसी लय और किसी न किसी सुर में लगातार जगमग हो रही है। कहते हैं जो कहानी नृत्य के माध्यम से कही जाए वो कथक होती है, और बिरजू महाराज कथक की वो जीवित मिसाल है जिसको कथक से अलग नहीं किया जा सकता। आज कथक और बिरजू महाराज एक सार हो चुके हैं। संकट मोचन मंगल मूरे मारुति नंदन हनुमान की आराधना जब तीन ताल की लय पर बिरजू महाराज के पैर करते हैं तो एक एक भाव एक एक मुद्राओं से लगता है कि शायद वो अदृश्य शक्ति हमारे आसपास है जिसका हमें एहसास हो रहा है। Come on.
कहते हैं कथक में घुंघरू अगर नायिका है तो तबला नायक है, और दोनों के बीच जुगलबंदी का बनारसी अंदाज किस तरह रसीला होता है ये बिरजू महाराज की कला में साफ दिखता है। परंपरागत तिहाई, परन मेघ का चलना, गत में शेर, हाथी की चाल किस तरह से नृत्य के माध्यम में प्रस्तुत होती है ये दिखाते हैं बिरजू महाराज। पंडित जी की वो प्रस्तुति जिसे कहते हैं मयूर नृत्य। सावन की बारिश में एक मोर किन किन भावों से जंगल में नाचता है वो सारे ही भाव अपने नृत्य में पंडित जी दिखाते हैं। कलाकार वो होता है जो आने वाले कल के समय को देखते हुए अपनी कला को आकार दे। इसमें भी पंडित जी पीछे नहीं है। पंडित जी ने आने वाली पीढ़ी को भी अपनी मेहनत से उस मकाम तक लाने की कोशिश की है जहां संगीत की शुद्धता को कायम रखा जा सके। पंडित जी के सुपुत्र दीपक महाराज अब पंडित जी की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। Thank you.
संगीत की दूसरी विधा है वादन, और शास्त्रों में भी देवों को वाद्य यंत्रों के साथ दर्शाया गया है। भगवान शिव डमरू, भगवान गणेश मृदंग, माँ सरस्वती वीणा, तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते नजर आते हैं। बनारस ने वाद्य कला को भी अपने पारंपरिक सूत्र में ही संजोकर रखा है। देश में बांसुरी के पर्यायवाची के रूप में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम लिया जाता है। पंडित जी बांसुरी में जब अपनी सांसों की चमत्कारी फूंक भरते हैं, तो सुरों का ऐसा जादू छाता है कि सारा वातावरण वृंदावन जैसा लगने लगता है। संगीत का अर्थ है सारी गतियां साथ साथ चलें, और एक साथ चलने की इसी कला को कहते हैं जुगलबंदी। जुगलबंदी का असली मजा तो तब आता है जब दो वाद्य यंत्र एक होकर दूसरे के बोलों को आत्मसात करें और दो शरीर एक आत्मा होकर प्रदर्शन दें। संगीत सरहदों को नहीं मानता, स्वर पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। फिर दुनिया का कोई कोना हो, संगीत के सातों स्वर एक ही रहते हैं। शास्त्रीय हो या उपशास्त्रीय, गाने का तरीका चाहे जो भी हो, संगीत का आनंद एक ही रहता है। और बनारस आने पर तो गजलों में भी ख्याल का ही मजा आता है। Thank you.
संगीत एक साधना है, देव आराधना है, और पद्म विभूषण पंडित जसराज जब मंच संभालते हैं तो जो स्वर का लगाव, स्वर का ठहराव सुनने को मिलता है, उसे ये महसूस होता है कि भक्त अपने भगवान को याद कर रहा है। Ha 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 ha